नहीं अभी वापस चले, यहाँ पे नहीं जाने का हम लोग को, हम लोग तो राउंड मारने के लिए आए थे हम लोग को कहीं पे जाने का नहीं है, राउंड मारने के लिए आए थे। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल असच शो। सो लास्ट ब्लॉग काफी अच्छा था हमारा, और आपने वो इतना सपोर्ट किया और उसको कमेंट करके बताया कैसा लगा आपको, और थैंक्स इतने सारे कमेंट करने के लिए, इतना टाइम निकल के हमें बताने के लिए कि हम कहाँ पे गलत है और कहाँ पे सही है। एग्जैक्टली पूरा आपने बताया, पूरा डिटेल में लिख के कमेंट करके बताया कि कहाँ पर हमने गलती किया है, कहाँ पर क्या किया है। तो इट वॉज वेरी गुड। एंड अभी ये जो ब्लॉग है, तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग हिट गया है तो ये ब्लॉग भी हम बना रहे हैं। चलते चलते हमें हमारा दोस्त, पुराना दोस्त मिल गया है जो हमसे इतने दिनों से मुंह छुपाते हुए घूम रहा था। देखो इसका शक्ल, देखो, डरना नहीं प्लीज, देख के डरना नहीं। मोटा चुका बोली है। भले हम लोग एक ही एरिया में रहते, एक साथ रहते, हम लोग एक्स एम्प्लॉइज रह चुके, एक साथ मतलब कलीग्स रह चुके, तो शक्ल मत दिखा, डर जाएगा, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो पहले तो मैं कर रहे हो, सुबह इग्नोर करके गया मैंने, देखा पार्टी ना, देख लो इसको, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, अब बताओ मेरे को। हाँ आप क्यों बोलती बंद हो गया, अब क्यों चुप हो गया तू, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल, कर तेरे बड़बड़, हाँ कर तेरे बड़बड़। नहीं अभी वापस चले, यहाँ पे नहीं जाने का हम लोग को, हम लोग तो राउंड मारने के लिए आए थे हम लोग को कहीं पे जाने का नहीं है, राउंड मारने के लिए आए थे हम लोग, अभी तो थक हार के घर पे आए, तेरे को क्या लगता है घूमने जाइए इसके लिए मैं वीडियो में उसको ले रहा हूँ, उसका मुंह देखो ये बदला था सुबह के लिए जो तो मेरे को इग्नोर करके चला गया, देखा ही नहीं मेरे को, मेरे को बाद में मार्टिना बोल रही, आशीष को नहीं देखा, बोला मैं अपने नींद में हूँ। हाँ एक तो हेलमेट भी नहीं पहना गाइस, इसके जैसे मत घूमो, हेलमेट पहनो ठीक है, ना लाइसेंस है कुछ नहीं है, आरटीओ वाला अगर वीडियो देख रहे तो इसका शक्ल देख लो, गाड़ी का नंबर पढ़ रहे तो हैंड ओवर टू सचिन, सचिन प्लीज कंटिन्यू। और इस ब्लॉग में कुछ रिवील करने वाले, सो विच इज बहुत ही जल्द रिवील करने वाले, वहीं पे जा रहे हैं अभी, देसा दिला, देसा दिला, वो दोस्त को पकड़ के हमने उसको राधे रस्ते पकड़ लिया था। अरे इतने सालों से मतलब हम लोग और मुंह छुपा छुपा के घूमते, तो होना ही चाहिए, दो साल के बाद मिला और मुंह छुपा रहा था, बल्कि वो घर के बाजू में रहता है। अखिल अगर तू ब्लॉग देख रहे तो यार बता देना, उसको बता देना भाई क्या कर रहे हो, चुप चुप के भागा गर्लफ्रेंड के पीछे। तो अभी हम जा रहे घर पे, और जो नया सेटअप लिया है आशीष ने के बारे में रिवील था, ये मजा ब्लॉग बना था, ये मजा था, लोग देखते ना, लोग आपको देखता है, कॉन्फिडेंस एक्चुअली बढ़ता है। और हाँ कॉन्फिडेंस के बारे में बात हुई, तो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था लोगों ने कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, और शेयर करते रहो, पहले बोला था वही, थैंक यू मैंने भी पहले बोला था, तो शेयर करते रहो और बताओ लोगों को कि आप ऐसे भी कुछ होते हैं ब्लॉग बनाते लोग। और अभी चलते हैं घर पे, कुछ दिखाते हैं घर पे चलते हैं, और एक बड़ा सेटअप है, और जो और बिहाइंड द सीन एक्चुअली क्या होता है वो आपको पता चलेगा अभी ये ब्लॉग के बारे में, थोड़ा अंधेरा हो चुका है अभी यहाँ पर। सो गाइस अभी हम घर पे जा रहे थे, तो घर पे आने में थोड़ा टाइम है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसने मेरा टोपी छीन लिया क्योंकि इसको लगता है ये टकला दिख रहा है, जो आपने मेरा टोपी लेके मेरे को बता रहा है तो गाइस अभी हम घर पे जा रहे थे, तो घर पे थोड़ा टाइम है, तो अभी फंडा है कि अभी आप ऑनलाइन तो वीडियो देख लेते हो, बट सीन ये है कि उसके बैकएंड में क्या होता है आपको पता नहीं है, तो बैकएंड में जो एडिटिंग होता है उसका बहुत काम होता है, बहुत मसला होता है, और बिहाइंड द सीन्स बहुत सीन होता है, ये हमारा एडिटर है, अब इसको क्या बोला, एडिटर है, म्यूजिशियन है, बहुत कुछ करता है एडिटिंग करता है, म्यूजिक करता है, गिटार बजाता है, सब कुछ करता है, ऑलराउंडर है अपना, ऑलराउंडर। अभी अभी जो रिवील करने वाला हूँ मैं, बोल मत, साले इनकम टैक्स वाले घर पे रेड मार देंगे घर पे जाने के बाद, जो पूरा सेटअप लिया इसने बड़ा, जो एडिटिंग का है आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा, जो एग्जैक्टली ब्लॉग उसी के बारे में, तो अभी जाके आपको दिखाने वाला हूँ कितना बड़ा सेटअप, वो भी बता देना, मैंने तेरे से उधार लेके पैसे से लिया था, अभी तो गरीब 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 की मजाक उड़ा रहा है, तो चलो गाइस अभी चलते हैं, आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसा काम होता है, क्या होता है, और आपको आपको तो एग्जैक्टली नॉलेज आ जाएगा कि क्या होता है काम, तो चलो अब चलते फिर घर पे, चलो गाइस। सो हम आशीष घर पे आ चुके हैं, और आशीष ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है और सेटअप रेडी कर चुका है, तो और चलो अंदर आते हैं और पूरा सेटअप चेक करते हैं कैसा उसने पूरा रेडी किया हुआ है, सो लेट्स कम, आगे घर के अंदर। आशीष माय फ्रेंड, हाउ आर यू, क्या कर रहा था बैठे तुम, हाय गाइस, आ जाओ स्वागत है,
चलो गाइस तो सेटअप दिखाते हैं पूरा आपको, आपको जो बात किया था प्रॉमिस किया था, तो इस चेयर के पीछे पूरा सेटअप लगा हुआ है। तो आइए हमारे छोटे से स्टूडियो में स्वागत। स्टूडियो बोला देखिए हमारा छोटा सा स्टूडियो ये यहाँ पे अभी वीडियो एडिटिंग चालू है फिलहाल। ठीक है जो आप देखने वाले वही चालू है वीडियो एडिटिंग अभी ये वीडियो में वही वीडियो आने वाली है। तो ये आशीष पूरा बताएगा कि क्या क्या है पूरा सेटअप, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, क्या जानना है इसको तुमको बताता हूँ। ठीक है सो गाइज ये है KRKK स्टूडियो मॉनिटर्स। एक मॉनिटर अगर एक स्पीकर अगर इसको मॉनिटर्स बोलते हैं एक्चुअली स्पीकर्स को क्योंकि ये स्टूडियो मॉनिटर्स होते हैं। और एक का प्राइस जो है वो 14,000 है। ऐसे मैंने दो खरीदे एक ये है और एक ये है। और ये जो है ये iMac है अगर आप देख सकते हो एप्पल का लोगो और इसको कहते हैं iMac। ये जो है मेरे को पड़ा था टोटली 139 में, मतलब 139,000 का PC है। फिर आप देख सकते हो ये है वॉल्ट का कंडेंसर माइक्रोफोन जो कि हमारे वीडियो के बीच में अगर कहीं पे गलती से कुछ हो जाए मतलब कोई डायलॉग आए कैसे भी कुछ भी आवाज़ कम ज़्यादा हो जाए तो हम इस पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये कम्प्लीटली हमारा वीडियो सेटअप नहीं है, इस पे मेरा म्यूज़िक का भी काम होता है। फिर ये है एप्पल का कीबोर्ड, आप देख सकते हो इसका कवर अभी तक उतारा नहीं है क्योंकि ये नया नया मंगाया था अभी। फोकस हो गया प्रॉपर। फिर ये है एप्पल का माउस, अगर आप इसके ऊपर ऐसे उंगली घुमाओ ना ऐसे ये वाला, तो ये टच स्क्रीन वाला माउस है, इसको आप देख सकते हो ऐसे टच स्क्रीन करने पे ऐसे ये खुल जाता है। तो यार बड़ा मज़ा आता है, ये नॉर्मल माउस से थोड़ा अलग है। और ये सब है ना USB से चार्ज होता है, वायरलेस है टोटली। फिर उसके नीचे है मेरा कीबोर्ड, ये है कॉर्ड का PA700, ज़्यादातर मेरा म्यूज़िक का काम इस पर ही होता है। सो ये है हमारा कम्प्लीट फाइनल सेटअप। और ये जो है और एक चीज़ दिखा था आपको छोटी सी है। ये है हमारा वाईफाई राउटर। ठीक है तो सचिन आप इस सेटअप के बारे में क्या कहना चाहते हैं? और ये मुस्कान की चमकान कही और शर्मा मत बोला, अपना ही ब्लॉग है। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो भी है एक एक जो भी इंस्ट्रूमेंट एक एक जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं उसके सब डिस्क्रिप्शन हम लोग में मेंशन कर देंगे। तो परचेस आप जाके और चेक कर सकते हो और आपको अच्छा लगे पता है कोई परचेस करने नहीं वाला फिर इतना प्राइस बता दो तुमने देगा अभी सब सोचते रहे इतना पैसा आता क्या करेंगे स्पॉन्सर है ऐसा कुछ नहीं है। सो इफ यू लाइक और डू लाइक शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे तो तब तक के लिए काम करना बढ़ती चलो मिलता है।